और ये देखिए इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सैफई के मेला ग्राउंड से, जहां पर अंतिम विदाई के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और अंत्येष्टि की ये तस्वीरें, अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें, पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार इस वक्त चल रहा है। थोड़ी देर पहले बेटे अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार उनके गांव सैफई में। 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है यूपी की सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सैफई पहुंचे हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हमने तस्वीरों में थोड़ी देर पहले देखा उनकी मौजूदगी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के तमाम नेता इस वक्त सैफई में अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं नेताजी को। तो एक नेता से नेताजी तक का जो सफर रहा, 55 साल का ये जो सियासी सफर रहा मुलायम सिंह यादव का, उसे आज हर कोई याद कर रहा है। और सैफई और इटावा के लोगों से जो उनका कनेक्शन था उसके बारे में तो हम सब जानते हैं, और आज वो कनेक्शन साफ तौर पर सैफई के लोगों में नज़र आया। राजनाथ सिंह तस्वीरों में हमें नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, एक युग एक अध्याय उत्तर प्रदेश की राजनीति और इस देश की राजनीति में समाप्त हो गया। अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं इस वक्त। एक बड़ा सवाल ये है सर, ये जो वैक्यूम है, अगर हम इस वैक्यूम को देखते हैं, मुझे लगता नहीं कि इसकी कोई पूर्ति कर पाएगा। और असल में मुलायम सिंह यादव के साथ एक ये कहने की बात नहीं कि एक युग खत्म हो गया, सचमुच एक युग खत्म हो गया, क्योंकि अब उस तरीके का कोई समाजवादी नेता नहीं बचा। और अगर आप नाम लेने के लिए कहें कि साहब जयप्रकाश नारायण